ईरानी लश्कर का कोई भी सिपाही कभी भी उस इलाके में बिल्कुल नहीं गया, और ये बात जंगी दस्तावेजात से साबित है। इस कत्लेआम में हमारे फौजी मुलव्वस नहीं थे। अगर तहसीन पाशा ऐसा कुछ कहते हैं तो उस मुकदमे में हमें मुलव्वस कर दिया जाएगा, और यही असल में उन सब का मकसद है। हम उसे याद दिलाएंगे कि अगर उसने सुल्तान का नाम नहीं लिया तो वो अपनी वालिदा को नहीं देख पाएगा। मजबूर कर देंगे हम उसे झूठ बोलने पर। कहां मिली थी वो? एक सराय में ठहरी हुई है, लेकिन मालूम नहीं कौन सी सराय। गंजे असरार के नाम से एक कमरा मंसूब है जिसमें यूनानी जंग के हवाले से दस्तावेज मौजूद है। हम चाहते हैं कि सुबह जाकर वो दस्तावेज लेकर आ जाओ। उसका पीछा करना वो तुम्हें एक रास तक ले जाएगा, और वहाँ वो नक्शे हैं जो अदालत लाए जाएंगे जिसमें उस्मानी जंग का हुक्मनामा दिया गया था। तहसीन पाशा को परखने का मकसद हमारा उस रास तक रसाई हासिल करना है। वालिदा, वो जानना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं। बता दो, अगर अब्दुल हमीद से मुलाकात करनी है तो क्या करेंगे आप? मैं बरतानवी सिफारत खाने जाऊंगा।